आज हम बनाएंगे मूंग स्प्राउट पराठा। ये खाने में टेस्टी तो होता ही है, लेकिन ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कप मूंग स्प्राउट ले लेंगे, जिसको एक ग्राइंडर में ट्रांसफर कर लेंगे। और साथ में ही डाल देंगे एक ग्रीन चिली। इन सब चीजों को मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। दूसरे बॉल में ले लेंगे हम 2 कप आटा और उसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। इन सबको मिक्स कर देंगे। और जो मूंग स्प्राउट का पेस्ट है वो भी इसको इसमें मिक्स कर देंगे। और जैसे नॉर्मल आटा गूंदा जाता है, वैसे ही इसको भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भी गूंद लेंगे। जैसे नॉर्मल चपाती या पराठे को बेला जाता है, उसी तरह इसको भी हम बेल लेंगे। अब एक तवा गरम करेंगे, उसमें लगाएंगे घी। आप चाहे तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसको दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है। इसी तरह हम सारे पराठे हम बना लेंगे। ये टेस्ट में भी अच्छा है और ये हेल्दी भी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।